Hey guys, welcome to my new video. Guys, my name is Vivek and you're watching VK Practicals channel. So friends, आज का वीडियो ज्योग्राफी ऑनर्स वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज आज के वीडियो में मैं बात करूंगा गाइज ज्योग्राफी प्रैक्टिकल वाइवा के ऊपर. ज्योग्राफी प्रैक्टिकल वाइवा जो है वो कैसे होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, इसमें मैं साथ ही साथ बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप लोगों को अच्छे से करना है. इसी पे गाइज आपका जो है सेमेस्टर 1 से लेकर 8 तक सारा डिपेंड होगा, ठीक है. सेमेस्टर 1 में तो जनरली अभी हटा दिया है प्रैक्टिकल, सेमेस्टर 2 से स्टार्टिंग है, बट कोई नहीं, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ज्योग्राफी प्रैक्टिकल वाइवा का प्रोसेस, ठीक है. तो सबसे पहला गाइस हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे. तो गाइस जो स्केल का टॉपिक है ज्योग्राफी वालों के लिए, ठीक है, ज्योग्राफी में आप लोगों को स्केल पढ़ना है. स्केल एक टॉपिक है, ठीक है. ज्योग्राफी के स्टूडेंट जो भी देख रहे हैं वीडियो उनको पता होगा स्केल गाइस, स्केल के टाइप्स, स्केल का कंस्ट्रक्शन कैसे बनाया जाता है, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है. इसी पे आपका सारा जो है बेस्ड होता है ज्योग्राफी प्रैक्टिकल. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेमेस्टर 1 से लास्ट तक सारा कभी ना कभी आप लोगों को बनाना ही होता है स्केल, ठीक है. और तो स्केल का टॉपिक आप लोगों को क्लियर करना है और काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, ठीक है. न्यू एडमिशन अगर हुआ है तो ये आप लोग जान लीजिए, स्केल आप लोगों को आगे भी पढ़ने हैं. तो गाइज स्केल हो गया इम्पॉर्टेंट टॉपिक. तो गाइज अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट टिप्स जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है, प्रैक्टिकल वाइवा के ऊपर. तो गाइज प्रैक्टिकल वाइवा में जनरली क्या होता है, कभी कभी जो एग्जामिनर आते हैं वो ग्रुप्स में बुलाते हैं स्टूडेंट्स को, या फिर कभी कभी इंडिविजुअली बुलाते हैं और उनसे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है. तो इससे कोई घबराने की बात नहीं, आप लोगों को आराम से अपना वाइवा देना है, ग्रुप में बुलाया जाए या इंडिविजुअली, बस आप लोगों को क्या करना है जो मैं बता रहा हूँ उसे फॉलो करना है, ठीक है. तो सबसे पहला गाइज आप लोगों को प्रैक्टिकल वाइवा के दिन अपना सिलेबस जो है प्रैक्टिकल का उसे अच्छे से देख करके जाना है. सभी टॉपिक का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, आप लोग कम से कम बोल सको अगर कोई भी टॉपिक से पूछा जाए तो. दूसरा, वैसे टॉपिक पे ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है, ज़्यादा ध्यान दीजिए जो आपके कॉलेज स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में करवाए गए हैं, ठीक है. ये दूसरा टिप हो गया. एंड थर्ड, आप लोगों को जो है वो घबराना नहीं है, अच्छे से एग्ज़ाम देना है. प्रैक्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है वाइवा के दिन, और ये इजी होता है गाइज. तो ये तीन टिप्स आप लोगों को फॉलो करना है. और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चलिए आप लोग बोलिएगा, मैं उसे टॉपिक वीडियो बना दूंगा. तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय.